सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः पशेम देवहितं यदायुः स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। So we'll chant second verse together. अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किञ्चित् जायमानं समन्ततः। Therefore वक्ष्यामि अकार्पण्यम्। अकार्पण्यम् means ब्रह्म। अकार्पण्यम् अजाति समताम गतम, बर्थलेस एंड समताम गतम इज इक्वली प्रेजेंट। यथा न जायन्ते किंचित जायमानम समन्ततः, दो इट इज नॉट बॉर्न इट अपीयर्स टू बी बॉर्न अपीयर्स टू हैव बॉर्न फ्रॉम ऑल साइड्स एवरीवेयर। सो अजाति ब्रह्मकार्पण्यम वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम तत्सिद्ध्यर्थम हेतुम दृष्टांतम च वक्ष्यामि इति आह। नौ थर्ड वर्स। आत्मा याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैः जातौ एतन्निदर्शनम्। आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैः जातौ एतन्निदर्शनम्। नौ so what is pratignyatam? The promise was I shall speak about that brahman which was already made. Ajat brahma karpanyam vakshyam, before that so I shall speak on that brahman pratignya, it is a promise. The next one, further promise to fulfill tat siddhyartham hetum drushtanta. One is hetu, other is drushtanta. So first pratignya, hetu, drushtanta, upanayana, all those things are there. Hetu, upanayana, all those things. Now, what is hetu? Reason. Drushtanta is illustration. Now they have to be given. What is that?
What is pratignyatam? Brahma is never born. Brahma is akarpanyam. That's what it was said. There is no krupanata. There is limitedness. Limitness, limit is not there. It is unlimited. Brahma is akarpanyam. Now, akarpanyam Brahma, ajati, that is ajati Brahma, not born. It is not born. That is unlimited. तो उसके लिए ब्रह्म इज नेवर बॉर्न अनलिमिटेड. इसके लिए एक हेतु और दृष्टांत बताना चाहिए. सो हाउ इट इज दैट ब्रह्मन इज नेवर बॉर्न इन एंड बट इज नथिंग इज बॉर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो एंड व्हाट दृष्टांत. दिस इज व्हाट इज सेड नाउ. आत्मा परोही यस्मात् आकाशवत् सूक्ष्मः निरवयवः सर्वगतः आकाशवत् उक्तः जीवैः क्षेत्रज्ञैः घटाकाशैरिव घटाकाशतुल्यः उदित उक्तः स एव आकाशसमः परात्मा. नाउ फर्स्ट वन, परमात्मा. आत्मा परः, परात्मा अंड परमात्मा. यस्मात् आकाशवत्, तो परमात्मा इज कंपेरेबल टू आकाश, लाइक ऑल पर्वेडिंग स्पेस. सो परमात्मा इज लाइक आकाश, लाइक आकाश, नॉट स्पेस, लाइक आकाश. आकाशवत्, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ आकाश? सूक्ष्म, नंबर वन, सूक्ष्म, very extremely subtle, sukshma, not subtler than paramatma, but akasha is subtle. Sukshma means what? Sarvavyapaka, more pervasiveness it has compared to vayu, agni, jala and prithvi. So sukshma, since it is sukshma, next is niravayavaha. It has no parts. It cannot be cut into parts. Space is indivisible. You cannot divide it. Indivisible. Okay. Niravayavaha. Sarvagataha. All pervading. Sukshmaha. Extremely subtle. Niravayavaha, no parts. And sarvagataha, no parts means sarvagata, all pervading more. So akashavad, so akasha is like compared to, the paramatma is compared to akasha, similarity. Now, sarvagataha akashavat uktaha. नो जीवैः घटाकाशैरिव घटाकाशतुल्यः उदितः. नो जीव मीन्स क्षेत्रज्ञैः. नो दिस परमात्मा एलोन, आकाशवद् परमात्मा एलोन उक्तः जीवैः मीनिंग घटा क्षेत्रज्ञैः. परमात्मा एलोन इज सेड to be existing in the form of jiva, kshetrajna. Jiva means what? Kshetrajna. Kshetrajna means one who knows the field of his own BMI, illumining his kshetra. So kshetrajna, jiva is compared to kshetrajna. So from Paramatma, that Paramatma alone is existing. Kshetraihi, Ghatakashairiva. How is existing? Like pot space. Like Ghatakash, like space in the pot, pot space. Ghatakashairiva, Ghatakashatulyaha, Uktaha Uditha compared. So the Parjiva is born, that is, Jiva is compared to
compared to spot space, ghatakasha. So Paramatma alone, that Mahakasha is there. Mahakasha means total space. Mahakasha alone is appearing as ghatakasha when it is conditioned by the pot. So Kshetrajnaihi ghatakashariva ghatakasha tulya uditaha sayeva akasha samaha paramatma. And that ghatakasha is jiva. Now ghatakasha is equal to jiva, mahakasha is equal to paramatma. Comparison starts now. Like total space is paramatma, space in the pot is jivatma. Okay. Now question is, athava or ghatakashaihi yatha akasha uditaha utpannaha tatha paraha jivatma bahi utpannaha. Param is paramatma. Just as ghatakashaihi yatha akasha uditaha. No, just as space mahakasha is born as pot space, space alone takes birth as pot space. Similarly, Paramatma himself is taken birth as jiva. Now, question is pot space is something really born? Nothing born. Nothing has come out of it. So, ghatakashaihi yata akasha uditaha utpannaha tatha paro jivatma bhi utpannaha. So that means what? First one is space is appearing as spot space. Pahle bataya, akasha is itself is appearing as ghatakasha because of ghata, pot. Because of pot, akasha is appearing as pot space. Theek hai? Again, second sentence, athava ghatakasha yatha akasha udita utpanna sadha. That means, that vakya, pot space ghatakasha appears to have been born due to pot. Because of pot only, pot space is born. First may, total space only appearing as ghatakasha with respect to space here, because of the pot. And second statement is, this pot space which is there, which is born from ghatakasha, appears to have been born because of pot. Athava ghatakasha hi yathakasha uditaha utpannaha tata paramatma jivatma bhi utpannaha paro jivatma bhi utpannaha. हाँ, अब देखिए, नो आचार्य शेष जीवात्मनाम परस्माद आत्मनः उत्पत्ति या श्रूयते वेदांतेषु सा महाकाशाद घटाकाशोत्पत्ति समान परमार्थतः इति अभिप्रायः. नो वेदांत में, वेदांत शास्त्र में बार बार कहा गया, श्रुतियों में और स्मृति शास्त्र में भी, कि जीव उत्पत्ति के बारे में. लाइक जस्ट एज एक तो है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चच्चाभवत. तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत, हैविंग क्रिएटेड ही एंटर्ड इनटू देम. हु? परमात्मा. हैविंग क्रिएटेड ऑल दिस ही एंटर्ड इनटू देम. दूसरा, सीमानम विधार्य त्रुदे सीमानम दे सेंटर ऑफ द ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वहां से परमात्मा एंटर्ड इनटू उपाधि एंड टेकन बर्थ एज जीव. दैट इज वन थिंग शास्त्र वेदांतेशु.
Another thing, jiva bhuta mahabaho yayedham dharyate jagat. This is jiva bhuta, srushti. Another thing, mamaiva amsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. My own amsha is a jiva, is born. Vispulingaha, sometimes vispulinga example is given. The sparks that emanate from fire carries all the properties and characteristics of the fire. Place sometime the space, merges back into fire. So, these are the Shruti Shastra. Shruyate is heard. Acharya says, Jivatmanam parasmadatmana utpattihi. The birth of jivas, various jivas that are born from Paramatma. So Shastras, we heard that we hear through Shastras the birth of jivas born from Paramatma. Shruyate, all those things Vedanteshu, Vedanta Shastras, actually wo kya hai? Sa Mahakashad Gatakasha Utpatti Sama. Actually, they are not born. They are not. They are all like from the total space, the birth of pot space. Jaise pot space ka janam hua, ghatakash ka janam hua, vaise hi mahakash se, man paramatma se jiva ka utpatti ke bare mein, jiva ke srushti ke bare mein shastriyon shastraon mein kaha gaya. Vastav mein jiva utpatti karke kuch nahi hua. एक जीव है, एक परमात्मा है, इनसे अलग है. अब आकाश में एक आकाश दूसरा आकाश से कैसे अलग हो सकता है? आकाश कितने हैं? एक ही है. घटाकाश, महाकाश, पंचदश में बड़ी विस्तार से आते हैं. इसके बारे में बहुत बहुत विस्तार से आते हैं. तो ये तो महाकाश माने अनलिमिटेड स्पेस. समस्त सृष्टि विश्व सृष्टि के बारे में बताते हैं कि ऑल दोज थिंग्स आर दे. महाकाश एक बताते हैं, दूसरे है, दूसरा आकाश है मेघाकाश. मेघ में इन द ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द स्पे इन द एटमॉस्फेयर, एक एक ड्रॉपलेट में टोटल आकाश इज रिफ्लेक्टेड. दूसरे फिर घटाकाश एंड जलाकाश. घट पहला घट हुआ, घट हुआ माने घट का निर्माण होते ही घटाकाश बन गया, उसमें पानी डाला, उस पानी में महाकाश का फिर प्रतिबिंब होता है. अब घटाकाश बन गई कूटस्थ, जलाकाश बन गया सुपर इंपोज्ड. इतना बड़ी विस्तार से आता है कि hundreds of shlokas on that. So, what is superimposed on that? The body is jiva, upadhi, paramatma is there, kotasthvat. What is kotastha? Which is ghatakasha. Usme antakarana. Us antakarana mein pratibimbita paramatma again, dobara. To jiva ban gaya. That is one siddhanta to explain. ये तो सरल सिद्धांत है. घटाकाश और महाकाश है क्या? महाकाश. अब घटाकाश है इसलिए महाकाश कहना पड़ रहा है, नहीं तो आकाश ही आकाश है. सो वास्तव में अद्वितीय वस्तु एलोन इज देयर. It is because Akashavat Sukshmaha Niravayavaha, you can't be split into parts. So, jahan Sushruti mein kaha gaya ki ye hai, wo hai jivotpatti, that birth of jiva is similar to birth of pot space from the total space.
इसलिए जीव करके एक कोई चीज नहीं है, एक कोई एक व्यस्त भी नहीं है। स महाकाशात घटाकाश उत्पत्ति समा न परमार्थतः परमार इन रियालिटी इन एसेंस देयर इज नथिंग बॉर्न फ्रॉम हिम। एक ही जगह पृथ्वी पे कुछ जगह ले लिया, जगह में घर बना दिया, घर बना के एक को कहा गया किचन, दूसरा को कहा गया बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कोर्टयार्ड, बैकयार्ड, सब हो नाम दे दिए। वही कहाँ वहां ओनली आकाश। And why do we suffer? Because we give name. किसी को बेडरूम कह दिया, किचन कह दिया, डाइनिंग हॉल कह दिया। बस डाइनिंग हॉल कहते ही दुखी हो जाते हैं कि डाइनिंग हॉल का जगह कम हो गया, किचन का बात हो तो किचन का हाँ कम हो गया। सो दिस इज हाउ उपाधि जीव उत्पत्ति इज एक्चुअली नॉट देयर, इज इट्स ए घटाकाशवत। जैसे बर्तव घटाकाश इज मिथ्या, वैसे ही जीव का जन्म भी मिथ्या है। जीव करके कोई चीज ही नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वृष्टि नहीं है, नथिंग कॉल्ड जीव। प्रहय क्या अद्वितीय वस्तु। तस्मादेव आकाशात घटादय संघाता यथा उत्पद्यंत एवं आकाशस्थानीयात परमात्मनः पृथ्व्यादिभूत संघाता आध्यात्मिकाश्च कार्यकारण लक्षणाः रज्जु सर्पवद विकल्पिता जायन्ते। अब हो गए बात। सो तस्मात् देयरफोर आकाशात यथा आकाशात घटादय संघात यथा उद्भज्यंत जस्ट एज फ्रॉम आकाश। अब ये घटा कहां से आया? आप तो कह दिया कि घट हवा, घट में अंदर जो आकाश है घटाकाश बन गया। अब घट कहां से आया? वही आकाश से आया। आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्नेराप अभ्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधीभ्य औषधीभ्यो अन्ना पुरुषः। वही आकाश से सब ये संसार का। तस्मा आकाश घटादय संघात यथा उद्भज्यंत, उसी आकाश से जस्ट एज घटादय संघ उद्भूत संघात ऑल पंचमहाभूतास, जस्ट एज ऑल दोस थिंग्स हैव कम फ्रॉम सेम स्पेस। जैसे कि मॉस इज बॉर्न फ्रॉम वाटर, एग्जिस्ट इन वाटर। और एक मॉस जैसे एक सर्कल का रूप में मॉस ले लो, या ना तो एक मॉस इज फॉर्म्ड लाइक ए ह्यूज रोप और समथिंग विच वन, वो तालाब को ही दो, ये बड़ा तालाब है, छोटा तालाब हो गया, ये शुद्ध पानी और शुद्ध जल हो गया, विच इज सेपरेटिंग दैट सिंगल पॉन्ड मॉस ओनली। मॉस विच इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर ऑन द लेक इज सेपरेटिंग द लेक इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, यस आर नो? देखा होगा आपने कहीं, मॉस विच इज फॉर्म्ड ऑन द वर्ल्ड। अब मॉस कहां से जन्म हुआ? उसी से हुआ। अब ये कही कि मॉस कहां से लाया? बाबा एक वस्तु में दूसरा वस्तु है कि नहीं है? ही नहीं, चांस नहीं है। तो ये मॉस कहां से आया? वही सर। तो द वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए मॉस। Mm-hmm.
Otherwise, you know, you take a cool drink in a bottle or in a glass. बड़े तेज से डाल दो, ऊपर फॉर्म फॉर्म होता है, वो भी पानी है, नीचे तो ड्रिंक हो जाएगा, सॉलिड मीन वेरी क्लियर कट ड्रिंक, ऊपर का पूरा. बट नाउ व्हाट इज द सेपरेटिंग दिस टू? ये कूल ड्रिंक हो गया, ऊपर का ऑल दैट फॉर्म्ड बबल्स, सो मेनी थिंग्स, बट दे आर ऑल्सो फॉर्म फॉर वाटर ओनली. और उसी को आप देखते हैं कि देखो मेरा कुछ ज्यादा दे दिया, बबल दे दिया, पहले उसको हटा के और ड्रिंक डालो. रियली कंटेम्पलेट. चलो एक स्पिरिचुअल साधना का एक मतलब बता देता हूं आपको, वेरी सिंपल साधना, टू वर्ड साधना इट इज. आप करते रहोगे एक दिन घट पुटेगा. लोड शेडिंग, ठक ठक लूज एवरीथिंग, छोड़ते रहना, मन में किसी को नहीं पकड़ना चाहिए. नाटक करो ना तो करो, नाटक करना भी एक कर्म ही है, बताओ ये प्रारब्ध है. पहले नाटक करना सीखो, नाटक करते करते वो प्रारब्ध वो हट जाएगा, नाटक की प्रारब्ध. तो जस्ट मेक एवरीथिंग, यू नो आई डोंट नो हाउ टू से, जस्ट दैट्स द सेंट्रिपेटल सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस आर देयर. सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस सेंट्रल, उसको पकड़े सेंट्रिपेटल ऑल पूरा वॉट एवर इट इज सेंटर, वन इज सेंट्रल फोर्स, अदर इज सर्कमफेरेंस. द सेंट्रल फोर्स इज होल्डिंग ऑल अदर फोर्सेस अराउंड सर्कमफेरेंस. उस सेंट्रल फोर्स में जितना दम है उतना बड़ी जोरदार से पकड़ता है सब दुनिया को. उस सेंट्रल फोर्स को छोड़ दो, छोड़ दो माने ढीला ढीला कर दो. जैसे वो ढीला ढीला होते जाता है ना, लोड शेडिंग साधना. सो जस्ट एज सेम संघात भूत संघात एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम आकाश ओनली, सिमिलरली आकाशात घटादय संघात यदा उद्भज्यंत एवं आकाशस्थानीयात परमात्मनः. सिमिलरली द परमात्मा हु इज कंपेरेबल टू स्पेस नाउ, फ्रॉम दैट परमात्मा एलोन पृथ्वी आदि भूत संघात आध्यात्मिकाश्च इज भूत संघात पृथ्वी आदि एटसेट्रा एटसेट्रा एक्सटर्नल एलिमेंट्स दि एर्थ ऑल द फाइव ग्रेट एलिमेंट्स आध्यात्मिक दैट सेंस ऑर्गन्स माइंड इंटेलेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा आध्यात्मिकाश्च कार्यकारण लक्षणाः एंड कॉज एंड एफेक्ट प्ले बिटवीन दीज टू रज्जु सर्पवद विकल्पिता जायन्ते. ऑल दिस विकल्पिताः कल्पिताः, जस्ट एज होम इज अ कल्पिता, मॉस इज कल्पितम, शेप इन एन ऑर्नमेंट इज कल्पितम, दिस इज ऑल रज्जु सर्पवत, लाइक द स्नेक ऑन द रोप, इट इज ऑल कल्पितम. है नहीं, वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है, एक ही जल अनेक तरंगों में दर्शन देते हैं हमको, थोड़ा बड़े लहरें छोटे लहरें वेव्स बबल फोम लेदर. अद्वितीय वस्तु के अलावा दूसरा कोई वस्तु का अस्तित्व होना और उसका संभावना बिल्कुल नहीं है. बस हो, अब देखिए आपको बड़ा कुजली करना चाहता हूं, बस सुबह सुबह मुझे कुजली हो रही है तो आपको थोड़ा देता हूं. आकाश में एक घट इज मूविंग, लाइक व्हेन यू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू योर हाउस, व्हेन आई गो फ्रॉम दिस प्लेस टू माय रूम, वॉट इज मूविंग, घट इज मूविंग. उसके साथ साथ में आकाश घूम रही है,
घट जा रहा है। इसलिए आत्मा और जहां जहां घट जाएगा, घट जाने के लिए, घट का अस्तित्व के लिए आकाश तो होना चाहिए। आकाश के बिना घट नहीं रह सकता, आकाश तो एक ही है, उसी एक ही आकाश में घट का मूवमेंट हो रही है। समझ में आया? जब शुद्ध आत्मा कहीं हिलता नहीं और जहां जहां घट गया वहां वहां आकाश है, तो इसका अस्तित्व हो रहा है, एबल टू एग्जिस्ट, पॉट एबल टू एग्जिस्ट। अब तुझ में परमात्मा ये सब भाई, बीच तुझ में परमात्मा, मुझ में परमात्मा, तो बीच में क्या है? तुझ में मुझ में करके हम करते हैं ना, तो ठीक है भजन के लिए, भगवान के लिए, इस बीच में क्या है? तो फिर बीच में परमात्मा, तुझ में मुझ में कहने की क्या जरूरी है? जहां तुझ और मुझ का भेद ही नहीं हो सकता तो बोलना क्यों? कौन कह रहे हैं? एक गड़ा दूसरे गड़ा से गहरी है बस, आत्मा नहीं कहता है, आत्मा चुपचाप बैठती है। एक गड़ा कहती है कि तेरा अस्तित्व है वो आकाश है, मेरा अस्तित्व भी वही आकाश है। अतः ये नंबर पार्ट वन, हाउ लॉन्ग द पार्ट वन एग्जिस्ट, एज लॉन्ग एज द पार्ट एग्जिस्ट, पार्ट वन भावना, पार्ट वन कोलैप्स्ड, तो अब तक पार्ट वन के ऊपर कब्जा करके जो बैठा है वो कहां रहेगा? सब तमाशा। चल आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। सो अभी हेतु क्या हुआ? हेतु इज सूक्ष्म निरयव सर्वगत अविनाशी लाइक आकाश, दैट इज द थिंग, दैट इज हेतु, कॉज, रीजनिंग। दृष्टांत इज आकाश। एक आकाशवत दृष्टांत, व्हाट इज हेतु रीजन फॉर सेइंग आकाश एज एन इलस्ट्रेशन? बिकॉज आकाश ऑल्सो लाइक सर्वगत निरवयव, दैट इज द थिंग। सो रज्जु सर्पव विकल्पिता जायन्ते अतः उच्यन्ते अतः उच्यते, देयरफॉर इट इज सेड घटादिवच्च संघात ही उदित इति, देयरफॉर इट इज सेड दैट लाइक ए पॉट एटसेट्रा ऑल दोस थिंग्स आर इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग, घटादिवच्च संघात ही उदित। घटादिवच्च संघात में लाइक जस्ट एज पॉट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द स्पेस, सेम स्पेस, सिमिलरली फ्रॉम परमात्मा ओनली all these things are born, that is vikalpata, imagine, what are they? Adhyatmika and panchamahabhutas. Iti so udita iti yada manda buddhi pratipati pratipipadayishaya shruti atmanah jatihi uchyate jivadinam. But ye fir shruti mata ek kyon kehti hai ki jeevon ke utpatti मंद बुद्धि को ग्रहण ग्रहण करने के लिए, जो मंद बुद्धि बैठा है अपने गुरु के सामने, तो गुरु कहता है उनसे, तो वो पूछता है कि ना जी जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा जन्म होगा, मेरा मृत्यु होगी, जन्म जन्मांतर होगा, आत्मा हमसे परे है, मैं उपासना करना चाहता हूँ, उपासना करके फिर भगवान में फिर लीन हो जाऊंगा मैं, तब तक मैं जीव हूं, तो जीव के कभी जीवत्व का कब अंत होगा? आप जो मुझे समझाते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हैं जीव है, बिल्कुल नहीं है, मैं आया हूं आपके पास जीव के रूप में, मेरा अस्तित्व को भी काट देते हैं आप, मैं तो हूं, मेरा दुख है सुख है, मेरा अनुभव हो रहा है, आप कहते दुख नहीं है सुख नहीं है, तो मैं कौन से कैटेगरी में जाऊं?
मंदबुद्धि कैटेगरी, सेपरेट क्लासेस देर, सेपरेट क्लासरूम, ऑल मंदबुद्धि कैटेगरी आ जाओ, जहां पे आप जो कहते हैं उसी को मानते हैं गुरु। मेरा जन्म हुआ, हाँ जी हुआ, मेरी मृत्यु होगी, हाँ जी होगी, पाप और पुण्य कर्म में मैं फंस गया हूं, हाँ जी, अब मैं क्या करूं, उपासना करो। सो मंदबुद्धि उनको समझाने के लिए, मंदबुद्धि प्रतिपिपादयशया श्रुति आत्मा जाति रुच्यते जीवादीना। सो श्रुति टेल्स दैट जीवास एंड ऑल दैट आर बॉर्न, एक्सप्लेन्स अबाउट द जीवास इवोल्यूशन, उनका जन्म एटसेट्रा, उत्पत्ति, तदा जातु उपगम्यमानायाम एद निदर्शनम। सो विथ रिगार्ड टू दैट जातौ उपगम्यमानायाम, सो विथ रिगार्ड टू दैट बर्थ जातौ, जाति ना, रिगार्ड टू बर्थ ऑफ द जीवास उपगम्यमानानाम एतन निदर्शनम, दिस इज द इलिस्ट्रेशन, दृष्टांतः यथा उदित आकाशवत इत्यादि। तो इलिस्ट्रेशन बताना है, जीव का उत्पत्ति हुआ, इलिस्ट्रेशन दृष्टांत क्या है, जैसा घटाकाश का जन्म हुआ। वास्तव में घटाकाश का जन्म हुआ क्या, नहीं हुआ ऊपर, और घटाकाश इट डज इट मूव, इट डजेंट मूव, बिकॉज पार्ट्स मूव इन स्पेस, द स्पेस कन्फाइंड इन द पार्ट डजेंट मूव एक्चुअली। और उसमें भी मंदबुद्धि कैटेगरी होती है, नहीं हिल रहे, घटाकाश भी घट के साथ घूम रहा है, तो उनको, उनके लिए गुरु कहते हैं हाँ जी घूमता है, जरूर घूमने दो। तू तो आकाश है, हाँ आकाश है, अंदर आकाश है, हाँ बाहर आकाश है, आकाश आकाश एक ही है ना, एक ही है, तो जहां जाना है जाओ घट के साथ, मगर जब तक तेरा घड़ा है तब तक तू आकाश के साथ एकत्र को अनुभव नहीं होगा। तो फिर मैं बद्रीनाथ जाके वहां गड़ा फोड़ू, तो जहां जाना है वहां जाके गड़ा फोड़ू, नहीं तो केदारनाथ जाऊंगा जाओ, कैलाश जाऊंगा जाओ, ब्रह्मलोक जाके वहां फोड़ेंगे, फोड़ो, समझ में। अब ये फोड़ने तो वही गढ़ को फोड़ो, फोड़ देना और क्या है, अब इधर उधर घूमना क्यों। वो कहते हैं कि मैं घट के साथ मेरा आकाश भी घूमता है, तो अंदर जो आकाश को जानने के लिए घट के साथ जो तादाद में होकर है, वो घटाकाश भी मूवमेंट इज, घटाकाश भी घूम रही है मेरे साथ है, मैं भी यहां से उधर अंदर जाऊंगा, घटाकाश भी मेरे साथ है। तो कोई कहता है कि ब्रह्मलोक के बाद वहां पोड़ेंगे, अगले जन्म में पोड़ेंगे, इस जन्म में नहीं होगा, बद्रीनाथ जाएंगे, शुद्धबड़ी जाएंगे, गुरुदेव वहां हैं, यहां नहीं है अभी। बट भगवान रमण महर्षि हिला पुलाने कहीं से बैठ के, से भाई कहाँ, चलने वाला कौन है, देखने वाला कौन है। Therefore, it is दृष्टांत गिवन, मंदबुद्धि के लिए यह दृष्टांत दिया, जीव का उत्पत्ति। घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा यहात्मनि। नौ यथा, अच्छा पढ़ो ले, एक बार पढ़ लेना, घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते
तद्वज्जीवाइहात्मनि यथा घटादि उत्पत्तिया घटाकाशादि उत्पत्ति ही जस्ट एज घटाकाश इज बॉर्न विद द बर्थ ऑफ द पॉट गढ़ा जैसा बना वहां घटाकाश का जन्म हुआ है ना यथा वा और यथा घटादि प्रलये घटाकाशादि प्रलयः जब दिस पॉट इज डिस्ट्रॉयड घटाकाश आल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड मीनिंग घटाकाश करके कोई नहीं होता है इट इज बिकम्स वन विथ द टोटल स्पेस प्रलीय घटाकाश बिकम्स मर्ज्ड विथ महाकाश वहां पे घटाकाश का घटाकाश कहाँ है ही नहीं घटाकाश जब घटा था घटाकाश था अभी घटा पुट गया घटाकाश मर्ज्ड इन टोटल का आकाश प्रलय तद्वद देहादि संघात उत्पत्तिया जीवोत्पत्ति जीव का जन्म कब हुआ माने जैसे जैसे ये देह संघात एज फॉर्म्ड देन कॉट अप इन दैट जीव उत्पत्ति इज बॉर्न तब उसका जीव का क्या साधना है जीवोत्पत्ति ही तत्प्रलय च जीवानाम इहात्मने प्रलय वेन दैट एंटायर थिंग इज डिस्ट्रॉयड मीनिंग दिस उपाधि मन बुद्धि कंडीशनड दैट वॉल्स आर ऑल ब्रोकन Then what happens? The inside one is merged in total space. There is no question of difference there. Not that I become Brahman. I am already Brahman. Considering myself as a particular individual. That bhranti will go away the moment it is done. Na swataha ityartaha. Meaning it is not that really something merging. Janam hua sa dikha hai, mag dikta hai, magar janam nahi liya. Hai na? Aur ghatakash mahakash mein मर्ज हुआ जैसा दिखता है मगर मर्ज नहीं होता मर्ज हुआ सा लगता है प्रलीन हो गया करके ऐसा लगता है प्रतीत होती है प्रतीति और महाकाश से घटाकाश का जन्म हुआ सा लगता है मगर जन्म नहीं होता जब घट का नाश होने के बाद घटाकाश महाकाश में लय हो गया मिलन हो गया सा लगता है मगर मिलन नहीं होता दैट इज अद्वितीय वस्तु अब घटकाश में एक घट को पकड़ के बीच में एक उत्पत्ति हो गई कि अहंकार ये मैं घट हूं बस दैट इज अ प्रॉब्लम इसलिए क्या साधना है लोड शेडिंग अंदर से डीला होते जाना अंदर डीला माने दुनिया में डीला नहीं डीला क्यों पड़ गए वो नहीं दैट होल्ड ऑन द माइंड इंटेलेक्ट कॉन्सेप्ट्स बॉडी अब देखिए अब लोग कहते हैं कि शरीर को पकड़ के मत बैठो बोलते हैं कि नहीं शरीर को मत पकड़ के अब बताता हूं आपको आप कौन है शरीर को पकड़ने वाला पकड़ने से क्या आपके साथ रहेगी क्या तो जहां पकड़ना नहीं होता मैं पकड़ा हूं ये एक भ्रम है जब समय आ जाता है तो शरीर बस गिर जाएगा तो शरीर की चिंता क्यों करते हैं हम जो भोगना है तो भोग लो
वो भोग पूर्ण होने से पहले तो नहीं जाएंगे आप, प्रारब्ध का भोग करना पड़ेगा अनुभव। तो वही वरी अबाउट द बॉडी। और व्हाट इज टॉर्चरिंग अस इज माइंड एंड इंटेलेक्ट, कॉन्सेप्ट्स, वेरियस आइडियाज, कंडीशनिंग्स। सो देयर यू आर, यू शुड होल्ड, ड्रॉप एक 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 अंदर से, लूज लूज इन द नॉट्स। इसीलिए एस्टरडे ओनली वन थॉट केम, डे फॉर एस्टरडे, एस्टरडे आई सेंड एसएमएस टू सम पीपल ओनली। कुछ लोगों को ऐसे बातों में थॉट आया, किसी से बात करते करते समथिंग केम आउट इमीडिएटली, ऑफकोर्स सिंपल थिंग, आई जस्ट टाइप एंड सेंट। व्हाट इज दैट? सन्यासी भी प्रेम करते हैं, मगर उनके प्रेम के पीछे ममता नहीं होती और डांट के पीछे द्वेष नहीं होता। अब संसार कहां हो गया? यदि प्रेम के पीछे ममता होती होगी या नहीं तो डांट के पीछे द्वेष, तो फंस गया। ममता और द्वेष के बिना खूब प्रेम करो, डांट भी दो, लोग एक्सेप्ट करते हैं। बढ़िया है। हमारे प्रेम के पीछे ममता, और ममता को ही हम प्रेम करके बैठ पकड़ के रोते रहते हैं सुबह से शाम तक। शुरू करो रोडियो, रेडियो फ्रेश मॉर्निंग टुडे, फॉर व्हाट क्राइंग? पागल हो ममता। और प्रेम है, अरे भैया जो मर गया मरने दो, जो जन्म ले लेने दो, जो जहां है वह रहने दो। बात खत्म। किसी को डांटना है डांटो, मगर द्वेष मत रखो। जब ये दोनों करते रहते हैं ना, अंदर से ढीला हो जाएगा। शीतलीकरण, ग्रॉसिफाइड, सॉलिडिफाइड, वेरी हार्ड टू मेल्ट सब्सटेंसेस आर देयर, वेरी हार्ड। उसको तो ना तापम, तापनम, तापनम मतलब हीटिंग इट, हाई टेम्परेचर हीट करने से दैट विल मेल्ट। सो सिंपल साधना इज अनब्रेकेबल पॉट प्रेजेंटली नाउ अवर्स, ताकि गुरु ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग। बेचारा पुट अ वेरी ह्यूज टाइट वॉल्स एंड देन वी आर सिटिंग इनसाइड। सो दिस अ ब्यूटिफुल थिंग। नाउ एक प्रश्न उठता है इसके बाद में, व्हाट इज दैट प्रश्न, उसका जवाब क्या है हम कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।